दोनों दलों ने सत्ता में आने पर जनता के सामने जो दावे किए हैं उनको किस तरह पूरा करेंगे इस पर कोई बात नहीं कही, लेकिन भाजपा के घोषणा पत्र में 24 गारंटियां जरूर है। अब इसमें स्वास्थ्य बीमा, सीमा पार घुसपैठ पर नकेल, बुलेट ट्रेन का संचालन, सभी के लिए बीमा योजना, सभी को पक्का घर देने के वादे आदि है। इन दावों और वादों में वो कितना पूरा करेंगे और कितने अधूरे छोड़ देंगे ये तो चुनाव में उनकी जीत हार के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कुछ दावे ऐसे हैं जो लगभग सभी दलों ने ही किए हैं। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया, इसे रविवार को जारी किया गया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को इस बार न्याय पत्र का नाम दिया है। दोनों दलों ने अलग अलग मुद्दों पर फोकस किया है। कुछ मुद्दों पर दोनों दलों का खास फोकस है, जैसे आर्थिक नीतियां और वेलफेयर स्कीम्स की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने सभी जातियों समुदायों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% कोटा लागू करने का वादा किया है। केंद्र सरकार के लगभग 30 लाख रिक्त पदों को भरने की यानी सरकारी नौकरियां देने की और सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए कैशलेस बीमा के राजस्थान मॉडल को अपनाने का भी वादा किया है। वहीं बीजेपी ने आज अपने घोषणा पत्र में 75 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कवरेज बढ़ाने और मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को मौजूदा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने की कसम खा ली है। लाखों परिवारों के लिए बिजली बिल शून्य और अगले 5 वर्षों तक मुफ्त राशन योजना जारी रखने के लिए वो प्रतिबद्ध है। इसके अलावा हम अगर किसानों की बात करें और कानून प्रवर्तन की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार हर साल सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को कानूनी गारंटी देने का वादा किया है। अब भाजपा ने फसलों का MSP बढ़ाने और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू करने का संकल्प ले लिया है। इसके अलावा सामाजिक पहल और महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी के न्याय पत्र में राष्ट्रव्यापी सामाजिक आर्थिक अभियान चलाने और विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण के आसार सुनिश्चित करने का संकल्प लेते दिखाया है। अब भाजपा ने घोषणा पत्र में IT, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और खुदरा क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने की पहल शामिल की है। वो 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को ड्रोन पायलट बनाने के लिए भी प्रशिक्षण प्रदान करने का वादा कर चुके हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने अब चुनावी प्रचार के दौरान शनिवार को ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी बार बार दोहराती है कि कांग्रेस पार्टी के दशकों से शासन के दौरान देश में कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में सत्ता में नहीं होने के बावजूद सबसे पुरानी पार्टी यानी कि कांग्रेस को ही दोषी ठहराया जाता है। आप अब तक कांग्रेस को दोष देते रहे हैं, पिछले 10 सालों में कांग्रेस सत्ता में नहीं है, प्रियंका ने उत्तराखंड के रामनगर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा। पिछले 10 सालों में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में है। अब वे कहते हैं कि 400 पार वे और अधिक बहुमत चाहते हैं। वे कहते हैं कि 75 साल में कुछ नहीं किया। अगर कुछ नहीं हुआ तो उत्तराखंड जहां IIT, IIM और एम्स स्थापित हुए वहां ऐसे कौशल कैसे विकसित हो गए हैं? चंद्रयान चंद्रमा पर उतरा, अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें नहीं बनाया होता तो क्या ये संभव हो पाता? खैर, विकास और प्रगति किसी भी देश के लिए जरूरी है, लेकिन आज जो देश की स्थिति है उस पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी इन घोषणा पत्रों के बारे में आप जो कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश दुनिया की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।